कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। बेटा, मैं आपकी हिंदी क्लास टीचर नेहा त्यागी हूँ। मुझे तो सभी जानते होंगे, मैं आपकी टीचर हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सरगम में पाठ 12 सुनामी को एक्सप्लेन करूँगी। बेटा, सुनामी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। सुनामी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आना, आंधी तूफान आना, ये सब होती है। इस पाठ में भी सुनामी के बारे में बताया गया है। पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। देखो बेटा, चींटियां अपने बिल बनाती हैं और बरसात या किसी दूसरे कारण से उनके बिल के बिल बिखर जाते हैं। जब पानी पड़ता है तो उनके बिल खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से चिड़िया अपने घोंसले बनाती हैं, लेकिन हम मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए उनके घरों को नष्ट कर देते हैं, पेड़ों के पेड़ वन के वन उजाड़ डालते हैं। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं और उनके घरों को तहस नहस कर देती हैं। फिर भी वे उठते हैं, कुदरत के मार को सहन करते हैं, हम इंसानों की मार को भी सहन करते हैं और दोबारा से अपना आसियाना बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में भी बहुत से झंझावत आते रहते हैं और कभी कभी तो ये इतने कठोर होते हैं, इतने कष्टदायी होते हैं कि इनकी कल्पना मात्र से ही हमारा अस्तित्व झंझड़ जाता है। हम डर जाते हैं जब कभी हम इनके बारे में सोचते हैं कि यदि भूस्खलन हो जाए या भूकंप आ जाए तो हमारे घर के घर तहस नहस हो जाएंगे। हम जब इस प्राकृतिक आपदा के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कभी कभी तो हमारे जीवन में इतने खौफनाक हादसे होते हैं कि वो मारक होते हुए भी हम गांव के गांव और शहर के शहर उजड़ते हुए देखते हैं। और यहाँ तक कि जब कुदरत की मार पड़ती है तो सभी वीरान हो जाता है, चारों तरफ वीरानगी ही फैल जाती है। इसी तरह लेखक भी इस पाठ में उन सब के बारे में बताते हुए कहता है कि कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी आगजनी और कभी मनुष्य द्वारा बनाई गई दूसरी विभीषिकाएं जीवन की जड़ों को हिला डालती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है, जैसे कि एक पेड़ कभी पानी बारिश में हिलता है, डूलता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी बार बार जूझता है, उखड़ता है, टूटता है और फिर जीवित होता है। यह सब इसी पाठ में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि सुनामी की लहरों ने पिछले 7 वर्षों में जो भी भयानक कहर ढाया है उसका लेखा जोखा बयां करना मुश्किल है। सन 2004 में इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, श्रीलंका में और भारत के दक्षिणी हिस्सों में इस सुनामी ने जो तबाही मचाई है वो बयां नहीं की जा सकती। सन 2011 में जापान में सुनामी ने जो कहर बरपाया है और उससे जन धन की कितनी हानि हुई है यह भी बहुत दर्दनाक है। लेकिन परमाणु संयंत्रों में जो रिसाव हुआ, जो हमारा रासायनिक रिसाव हुआ था, वह भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कभी कभी तो लगता है कि उन्नत तकनीकों का यह साजो सामान मनुष्य के जीवन में कष्टदायी है। हमारी सीमा सुरक्षा के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं हम कभी कभी उन्हें अनदेखा कर देते हैं और वही हमें कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी तबाही होती है, सुनामी आती है, कहीं बाढ़ आ जाए या भूस्खलन हो जाए तो जो मदद के लिए लोग होते हैं उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने से ही हमें अपनी जो मानवता है उसके बारे में पता चलता है। सुनामी में बहुत से गांव के गांव और शहर के शहर उजाड़े गए हैं और हमने भी बहुत लोगों की मदद की है। यह मदद ही हमें एक परोपकारी बनाती है, हमें दयालुता का, हमारे अंदर जो दयालुता होती है उसके भाव को उजागर करती है। यह सब इसी पाठ में बताया गया है।
कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ डिस्कशन करेंगे। शब्दार्थ शब्द कुदरत, कुदरत मीन्स प्रकृति, झंझावत आंधी या तूफान, खौफनाक डरावना, विभीषिका भयानक घटना या दृश्य। कभी कभी किसी भयानक घटना या दृश्य को देखकर हम डर जाते हैं। दुर्दांत बर्बर या खतरनाक। प्रणाली तरीका, हमारा क्या तरीका है, जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका। पूर्व अनुमान, पहले से पता लगा लेना, पूर्व अनुमान पहले से ही सब कुछ पता लगा लेना। टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल काम। बेटा आपको ये शब्दार्थ अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में भी इनको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।